बेटी बचावा बेटी पढ़ावा जो या फिल्म उपासना से माल यूट्यूब चैनल पर शुरू होने वाले छे और आप अभी देखण वाले छे ना, यह एक सशक्त समाज बनाने का वास्ता यह फिल्म छे। हमारी बेटी बुआरी अगर सशक्त वाला पढ़ी लिखी वाला तो ते पढ़ोला लिखोला तो सशक्त समाज को एक विकास बोलो। आप ये फिल्म ते देखला, अपर बच्चों ते दिखोला, पूरा समाज ते दिखोला, पूरा उत्तराखंड ते दिखोला और पूरा देश ते ये फिल्म ते दिखोला, तो मेरे ख्याल से जो हमारो सशक्त समाज को एक निर्माण है, पढ़ियों लिखियों समाज को निर्माण है और अपराध से दूर होने वाला समाज को निर्माण है, ये फिल्म एक बहुत अच्छा सुंदर संदेश यह फिल्म दी और ये फिल्म का संदेश थे आप अपर जीवन में खरु उताला, ये मेरे आपसे निवेदन है। ये फिल्म थे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखला और ये थे सर्कुलेट कर। प्रीति हाँ? यार ये मेरी ना एप्लीकेशन दे दे यार मास्टर जी ए तेरी कब सी एप्लीकेशन इसके लिए जोड़ा एप्लीकेशन मेरे घर नहीं वाला मैं यार भी जहाँ काम चला नहीं है सकता तो हमेशा बहाना चाहिए। अच्छा यार इन करें अरे हाँ मैं घास का काम देखना पे घास हो जाए तेरी तो बात ही अलग रहने इन करें यार शाम को जो भी काम मिलो ना प्लीज आज शाम को बता जाऊँ किताब ले जाऊंगा कॉपी वॉपी देख किताब होते तब तुम बात कर रहे हो थोड़ी देर पढ़ लूँ। काश काश मैं थोड़ा और पढ़ पाऊँ, काश मेरा माँ पिताजी समझ पाता कि मैं तक कितना पसंद से पढ़ लूँ। अगर वो मेरे साथ देता शायद मैं तो इन छुप छुपी तक नहीं पढ़ पढ़ दूँ बोर्ड में बैठे। पर कुछ भी भेजाओ मिन तो पढ़ाई कंचे मिन कह के नहीं सुन, चाहे कोई कुछ भी बोलो मिन तो जिंदगी में कुछ कामयाब बनी तो दिखाण और मिन साबित करी तो दिखाण कि पढ़ाई करी तो कह को नुकसान नहीं हुए बल्कि सबको फायदा ही होगा। चंदू छो नहीं तो गाली पड़न घर में घास भी कटन अभी चेता चेता मरे नहीं चली छोटी अगला समाज में जिधर जल्दी लोड दे भेज जा पड़े कौन ले फिर मां भी ठीक ठाक सही होशियार न होने से बहुत लोग बहुत तारीफ करते हैं। आज को बटी तुम काम का जो जिधर पड़े जो काम तो बहुत कर दो पर पान मां भी बहुत बढ़िया से तुम्हारी बटी चुप रहा
बड़े अभियान आया सुख रोलू तू तो भी आराम रोलू तू तो अनबोल ले उन बोल के मैं कौन हो जा खुलकन के कनक ओ यार मैं नहीं जानू ना मैं नहीं हेलो अरे भाई साहब नमस्कार समधी जी कफन बहुत दिन अच्छा आवा आवा बहुत दिन से खाली पास अरे यो बालक अच्छा जूते को दबे तकलीफ तो नहीं हुए बेटा बोन ठीक है बोला अरे मैं तो सोच रहा हूँ तुमको आने को तुम तो पूरा भाई सफेद हुआ अम्मा जी तो बोलो अरे हमारे जो एक पूरा साफ करा अन्य तो डे लगा डे हाँ ये चीज है मैं खूब बोली डे लगा तो रहा ये बुढ़िया लोग कैसे तुमका ना बुढ़िया तो कहवा यार तबे बोलो दाढ़ तुम्हारे हम फूली तो हम आते जाओ तके पूर्ण ना जाता मरना पूर्ण यू चिल्ला रहा है बालक हाँ यो ये को दबे गो पूरा अच्छा था बहुत बढ़िया खूब चार खबर का चिंता ना बोलना ना के कच्चा खाना ना सुन बहुत बढ़िया तुम्हारे चार खबर का बीच का क्या दुकान ही बिजी नहीं होगी कचर मिजन बल नहीं कचाज बन डबर लीन ना ना बाद में सात जोंडा सात जोंडा मची गोरी कुंज सुजन ना ना दुकान निकल ही बल को मत तो जड़ दुई हो दुकान यार ये रहा मैं ये सब चोला 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 सात जोंडा तक पंगे चलो मुंता जोंडा तो मची वो मने याद हो गोरी कुंज पुनो मेरे तो पड़ोसी गोर कुंज बाग ना ना मेरे तो उड़े हैं तुम्हारे बहुत चार खचिता बोलो ना कहे कुछ चार खचा अब थोड़ा मन बोले अब लोड़ो भी जवान भी गमन नौनो अब तब ये को भी थोड़ा गौर मुझे खुली भी गया ना नौ क्या दिन ना नौ दौरे मंग तू अच्छा अच्छा म्यूट मंगत सिंह जी नहीं था ना अच्छा गौर पंजन प्रेम उमर कितना बोली उमर छोटा जा अभी 26 साल ओ ठीक है हमारी बोलता है उमर 18 ना ये साल पूरा अच्छा ठीक बोल आदिव बार और रिजल्ट भी होना बहुत पढ़ने में बहुत बड़े जी मैंने माँ तो पता क्या अरे चल कंडे अरे बाद में ले लू माँ तो पहले पता क्या कुछ खबर निकाल दिया पूरा रुक जा अभी बता को मैं बाकी मैं ठीक करूं जो सुनियो हूं जब ये ले लो तो करन मेरा काम दानो दे हमने छे वो इते आप उड़ करन जोगा तुम है अब थोड़ा सा पंगड़ा पड़ा ले अच्छे है ना मतलब पंगड़ा पड़ा ला यो गाद गाजी पाती भी दोरी ना अच्छा अब गौर कुन संपन्न जा ते भगवान मधु को बहुत दिन हो मेहनत करी हूँ स्कूल चाल तो पार्ले जी बोला जर्सी पहले बीड़ू बन जरसो उधर दिन ये तो दौर जब आप ए चेते बुए अंतीते तक कुछ कोजे जा यो खानो टाइम में मेहमान है गौर मु आज के बेच बंद बोन
चुपचाप हो फिर बाबू पर कम या कुछ हो चुपचाप चल छोटू जी मैं बच्चा देख लियो ना सर को फोन भी नहीं लगनो कब खोलिया मैं तो बात करनी आज क्या करूं मैं भगवान फोन टाइम पर कभी फोन नहीं उठा दिया नौनी हेलो हेलो सरुली कक्षा मारी फोन करनो जो कवर बटी उठाने के लिए नहीं जाए मैं जरा ला खा दूं के भाई यार तू गौर हो यार मैं तो तेरे से बात कर आज कल तो मतलब मेरा यार रिजल्ट भी आयु मैं सोचे मेरा माँ पिता जी खुश होला उनको तो यार लोग बुलाया चल मेरा रिश्ता का वास्ता जल्दी गौर हो मैं तेरी बात कर मैं तो कुछ नहीं पता हाँ मैं बोर्ड बैठे आई जाओ और मैंने अपनी माँ से बोली कि मैं पास रह गई हूँ पता वीन सोनी भी नीचे और वीन मैं तो बोली कि तेरे नौना तेरे देखो तेरे नौना है चल जल्दी से काम कर और ये सब यू कर तू जल्दी आओ मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ मैं यार कह दे रहा मैं ब्योर नहीं कर जल्दी आओ तू घर कुछ सुनू तो तैयार नहीं चल तू जल्दी घर आओ मैं तो तेरे से बात कर बस मैं कुछ नहीं पता जल्दी आओ मैं तो यहाँ बोल दो थोड़ा यूं नन लोड से बात कर दिया आज रात हो रहा है ना तुम सोचा ना बार धरन तो बार मैं का अरे आज बात आज ये करो लन अब तुम भी तो बैठ रहा हूँ ना यूं जर नॉनी नॉना आप नॉन आज के लिए रसम वाह वाह अब ले चेता है ना न्यू कब लियो बैठ है पता नहीं दिमाग तुम कुछ नहीं लग रहे थे अच्छा तुम्हारा पटवा कर दे बोला हाँ सब काम कर दिया
नानी पर बहुत गुस्सा लगी मैं तुम्हारी गुस्सा कर दी नहीं सो ना अभी नहीं आज आज तीको रिजल्ट है बत्ती जो बनी अभी उत्तराखंड में टॉप कर दी तुम नहीं पूछ रहे हैं बिल्कुल हमारे बिजनेस देख लिया तुम आप बोलो और पढ़ी क्या वन मैं समझो नहीं हमारे गांव के बुआरी बी ए एम ए पास घसेजी नोनी पढ़ी लिखी कख के मवस भी जमाना में तुम बता अब कुंभ कैदा पर गौर मुख गौर बार पंगड़ा पटला खचर खुचर और जरत ब्या केंदो दुई रोटी हम दी जो बेवकूफ जन बेवकूफ निका हमार लोड़न दर्जा पांच पास करी यकीन यकीन दर्जा चार पास आज देहरादून में फ्लैट बड़ी तू यको यको को बदकाश मा अच्छा तो आप ठीक जी गया बहुत बढ़िया ज्यादा पढ़ी लिखी ना क्या बोला लो गौरपुन बुआ जाकी ज्यादा पढ़ी लिखी टिक नहीं बन और बोला जन गौर बोल ले यार गौर बोल जोड़ा जूता हुए मैं तो ये सेवा करू कानून टाइम
अगर बबुल बीमारी होगी तो हम अनुकर मतलब अभी तुम्हें रूम नहीं कह दिया होगा मुझे कितना परेशानी में आयो आज मतलब यक भी आयो लोग तुम तो जो होते हैं कितना परेशानी में आयो ये पता है पत्ते ही काम आने होंगे तो आप पढ़े लिखे पे लिखा भी कर ठीक से फिर आप जन पिताजी बोला मैं उन्हें कर लूँ मैं क्या बोलूँ अब आप मेरी बात नहीं समझ रहे तू पहले बोल छो भाई तो अपने ना लेवल बाकरा मैं तो बार पता हूँ अब जो तुम बड़े निजाजी बात फिर नानी की अंदर नहीं थी घर में स्कूल पर अंदर अगले पड़े हुए थे कर वो मैं सुनूंगा कल तुम बात हुए मेरी हम वो मैं पढ़े पढ़े दूर अरे अरे तू तक गाड़िया ना तुम बैठ वो सब बहुत बड़े हुए ये बहुत बढ़िया ये Baby.
चाणु चो पैदा टाइम लगे नी खबरदार बगर मैं ठीक है सी जमने खरे मन हम जमने खरे मन ना तू तो आज कल एंगुल में ये बॉयल कर दी ना है खास कर जो पे उत्तराखंड में क्या क्या कर चु दूसरे नंबर पे पास कर चु सू तो ज्यादा तू मुझे वहाँ ये लोग की आग लगी ये बॉयल को अगर पाई पर खैर ठीक तो ये तो हम उनसे क्या करें ना पर तू मंग लोग तू ज्यादा तू बिल्कुल यो बात भी ना सुन तू कुछ भी ठीक है और मैं बोलना चाहूँ ना कि आप जन बोलना चाहे कि मैं सब काम कर लूँ जो भी बोला आप मैं कर लूँ पर आप मैं तो आप मतलब मेरी एक बात मान पड़ ली तो एक बात क्या तू तो 50 बार बोल आप के लिए मैंने पहले भी बोली छो जन ना कि मैं चाहती छो कि मैं जो का बाद अपनी पढ़ाई पूरी करूँ ना ले मैं यू किताब भी छुपा कि ले छो कपड़ा मैं खुद तो मैं पढ़ सकती छो ब्यो का बाद इतना बड़ी बात है वो नहीं अभी कर ना तू मेरे को बड़ी खराब हमारे गोरू भैंसा पोंगड़ा पटल मेरे बो बाबू चीन इकलो तुम्हें घोरो मैं बोल के पढ़ छो मैं माथी गोर घूम चल दो अरे तू अपनी पढ़े न्याक 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 मुझी पढ़े कन आगस मुनी जाली तो तब सोए काम रही हम यहाँ की तो मैंने ब्याह के अरे आप गुस्सा नहीं हुआ मैं बोलूं छो ना कि मैं गुस्सा नहीं बातें तेरी दोबारा तूने पढ़े की चिंगारी ना तो मैं से गुरु को नहीं होने पता नहीं कब जी लुको यहां निकल निकल अब यू दोबारा यू किताब मेरे साथ बना कर आग लगा तू नहीं करो निकल काली मुखी कर अभी अच्छू खास हम मूरे ऐसी तैसी करी थे दिल्ली में बोल रहे तुम है सुबेर बिटिन बोलो थकी बोल पर काट गोर गोर था मेरे को हाँ जब सी रही हूँ चुना ए बारी क्या घर आ लड़ी हम लोग बाहर की बैठी हो थे माजे चादर जब झट कर थे लगी मंगल मात ना के नुकु 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 जग हिलाने तक जाना तीस पचर बिटिन यो की तेरे मंगल बाहर है ये चादर टीसे मंगल बाहर बुरी हम उनसे सारे जग नहीं देखी माला कौन लोग अरे बिहारी तो क्यों हुए इरादे नुकु 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 जाना
से आधार दे रहा हाँ आगे माँ और जाता मेरी किसानों मैं जीतू भी तुम कब से जाना तैयार बिकते मेरे बुए वो न जाना मेरे मम को तो अध्याप करना थे ना पर तू जरा आप ध्यान दो पर छो बोलू मैं ठीक है मेरे तो अगर मुझे टाइम दिखो तब जो चेकअप होगा जो कर बोल ठीक है ध्यान पर जान जी को भी ध्यान रखना और अपरू भी ध्यान रखना ना दे आप दोनों को तुम्हें ठीक है और खबरदार दिया था तो ज्योल 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 ना दे ठीक है घास गुए को काटे थे दो रोज मुझ मुँह ठीक है और ज्यादा घाम आना रे ठीक है और ते भी ध्यान दो रही अपुर भी ध्यान दो ठीक है ठीक है चलो ध्यान से ध्यान दो और बाबा के भी जोख नहीं देते चाह पानी पूछ ले हाँ आप ध्यान दे को पहुंच वाला ये कौन भी नहीं आई तेरे को बुआरी जरा बड़े ढंग से धोया ठीक एक मिनट कुछ नहीं हेलो हे निर्दयी विधाता हे निर्दयी विधाता यन क्या चक्र चाल करी तुन अरे हे विधाता यन क्या चक्र चाल करी तुन तख मंगतू चेता ते छोड़ी सदनी ते चली गई
अर्चेता का जो प्राण मायक जन वज्रपात पड़ गे। अरे हे निर्मोही विधाता, तुइन यन अन्यो कन्हे करी, तुए जरा भी दयनी आई। हे विधाता, जरा भी दयनी आई, तुए जरा भी दयनी आई। ये बाबा यो बहन
स्वामदेव प्रणाम। अच्छा ये तो बहुत बड़े हुए। दिहाड़ी मजदूरी होली कोई भी काम हो कोई बोझ उठाना काम बोलू मैं सब कर लू मैं तुम्हारा हाथ जोड़ दू। भाभी मन रखो काम होनी चाहिए अभी ना कोई बात नहीं तक जो भी बोलू तुम्हारी है ना मदद मुदद करवा दियोलू अब पैसा खर्चा पर्चा नहीं बोलू तो मैं चाचा तो बोल दिलू चाचा कुछ मदद करो लो वा चेयर लिया बल कुर्सी 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 साहब आया साहब बैठा ये हमारे सहयोगी हैं और हम उपहार समिति में अध्यक्ष हूँ देखो बैठे आपके साथ भी बहुत बड़ी पोस्टी हुई क्या करें विधाता का सहयोग है उसके आगे किसके चलती है कितने साल हो गए लगभग 2 साल हुए तो अमर डेढ़ साल क्या कर सकते हैं ऊपर वाले के सामने किसी को नहीं चलती ना भगवान पूछे धीरज मत खोइए हम उपहार समिति से आए हुए हैं हम गुप्त काशी से आए हुए हैं उपहार समिति चढ़ देना आप अपन ने चुनी बोलो शायद
उपहार समिति बहुत काम करने जो उपहार उकाल में हाँ। जब पानी लिया तो हम मैं उपहार समिति की चेयरपर्सन हूँ। चेयरपर्सन जहाँ जो पूरी समिति है तो हम लगभग 26 अनाथ दे चुके शादी के लिए जी लगभग 26 बेटियों की शादी करी। हम समिति सर बहुत सारा लोग जुड़िया छिन और ते माह हम महीनों महीनों पैसा जमा करवा और एक जो पैसा कट्ठा हुआ हूँ तो ते स्थिति काम दे हम सहयोग मान लो ना गाँव वाला मिजन चलो बैठा तब बैठा तो हम उसको सामाजिक कार्यों में लगाते हैं उस धन को, जैसे कि निराश्रित बेटियों की शादियां करना हो गया वैसरी तबार पड़ जो कमला देवी का नाम कमला देवी खड़ा हुआ आपने भी ना तुमने बड़े भाव सब आप लोगों को आशीर्वाद आप लोगों को आशीर्वाद चिताऊ जी इसके दिन बहुत खराब कुछ बॉडा जी आप बिगड़ी भी हम हर समय से आप घबराना चिंता ना करें तो हम यही वास्ता यहाँ आया छे आज कि आपका सहयोग का वास्ता कि आप ये न समझे कि दुनिया में हमार कोई नहीं थी जेब कोई नहीं थी ते की उपहार समिति जी निराश्रित जो छिन विधवाएं छिन तो को मकान बने थे और विधवाओं की बच्चों थे हम एडॉप्ट कर दन एडॉप्ट मतलब वो छिन नहीं तू को पढ़ोन लिखोन कपड़ा कुपड़ा सब शिक्षा को खर्च हमारे आपको आशीर्वाद आपको आशीर्वाद और सबको आशीर्वाद से हम डगरी बनू तो हम विशेष कार्य से हम आए था चाय बड़ी बोली जब हम सर्वे करी बारे चाय ले तो हम ये कारण से यहाँ आया कि हम सोने की तौलन मंगन मार स्थिति थी हमारे जो सदस्य लोग जिन से गाँव गाँव में लेते सर्वे कर दा अध्यक्ष की के गाँव में वो लोग के निर्धन छिन के भी स्थिति करना छिन कोई अपने खर्च पर्च सहयोग नहीं कर सको तो अपने आर्थिक स्थिति कमजोर छी तो हम सोने की सर्वे माँ की उत्तराखंड टॉप आपको सहयोग रोलो तो हम निभा नहीं करते हैं अब मैं पढ़ो चाला हम सोचना कि हम इतने पढ़ो लिखो अपना पैरों पर खड़ी होगी और आपको भी सहारा बनी और अपने बेटी की पावली अच्छा तरीका से लेकर नौकरी लगी बी रुपये ओले घर में तो जो कहते हैं कि अब आज में उम्र साधा साल भर मूर्ति को अधिन फोन चल रही तुम्हारे भी जवान लड़का और बुआरी है और सासू नहीं थी कन के चलो तुम्हारा घर बार तो हम सोचना थी हम इतने पढ़े लिखे थे और कभी मुँह ये नौकरी पर लग जो बहुत पढ़ने वाली लड़की थी बहुत बुद्धिमान थी पढ़ना देर नहीं पड़ेगी अरे बोड़ा जी हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए संजना जी तुम भी पढ़ियाल जी क्या छन बना में से जी हमारा गुरुपुन गोमा पते तो भी हमने वो ही छन लोन थोड़ा गोमा तुम भी गनु बोला जी दुनिया तो बनी लेगी रोन ना नहीं भाई मेरे भी सारू कुछ तब तुम पुण्य निकला तो मेरे भी कुछ सार तो हम आप आ सारा वास्ता तो यमो यहाँ से नुपार से मिल बैठी हम सोचते ना कि नाम पढ़ों लिखों में तो यहाँ पर पैरों का खड़ी ले जो पढ़ क्या फर्क होना है इसमें ना कोई फर्क होना ते मंगलू लोड़े बारी ये यम ये पास पढ़े कन के क्या पढ़े
सोमवार सोमवार बुद्धिजीवी समाज आ ना तो ताऊ जी आपके ऊपर हम बात छोड़ दें, अगर तेरी इच्छा बोली पढ़ने आप इनको विजिटिंग कार्ड दे दो। अरे रोड जाते चक्कन ते क्या लीजिएगा ना चाचियो यो हमारो कार्ड ची आप ते जनी भी लोगों लो आप हमसे जुड़ के हिसाब से हम ते बता रहे हैं। फिलहाल हम आपसे पेंशन योजना से जोड़ना हर महीना महीना 1000 रुपया आपके खाते में डाल देना। आप एक मेरे को इस नंबर पे फोन करना और अपना अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाल देना मुझे, ठीक है? हम आपको पेंशन योजना से फिलहाल जोड़ रहे हैं। अगर आपकी इच्छा पढ़ने की होगी तो हम आपके साथ हैं। जो साल हुए खेल लगी प्रधान भी लिख रही है पेंशन जी समाज कल्याण बेटे दूसरी पेंशन तुम्हारे को पेंशन तो हमारी अपनी समिति की पेंशन जी उपहार समिति की पेंशन। हम अपना पैसा अपनी समिति का द्वारा जो हम इकट्ठा कर दें पैसा तू ते हम जो विधवाओं का जो निराश्रित बूढ़ बूढ़े रहना तू खाता मार डाल दें पैसों का। आपकी जैसी भी इच्छा होगी ताऊ जी समय हम चलते हैं, मुझे उस नंबर पे कॉल कीजिएगा। हमारा गौ माना अब लोड़ो भी नहीं तुम समझ हम ही आप बच्चे जिन बोला जी हम तब गो बोलना बुहारी तो न चला ठीक है ठीक है जनी भी आपके उचित तो बोलो बात बोलो तो हम तो देवी जी थोड़ा आप जो बोला था ना आप मुझे कॉल करना ठीक है मुझे कॉल करना बात बात बढ़ा दी ना इस समय चलते हैं अभी हमने किसी दूसरे गांव में क्या बोलूं तो ना बोला जी अब हाँ, रास्ते में खा लेंगे ठीक 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 बोला जी रास्ते में आज मौन पार ना ना बोला जी बस चलो चलो ये आप उपहार समिति से बोल रहे हैं दीपक जी? भैजी नमस्कार, मैं ना चेतना बोल रही हूँ वो गोंडार गांव से। आप आए थे ना हमारे घर पे, वो मैं और मेरे ससुर जी से बैठे थे तो आपने बोला था पेंशन लगाएंगे और वो पढ़ाई की बात भी करी थी। तो अब मैं चाहती थी कि मैं ना असल में मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ पर ना मेरे ससुराल वाले पढ़ने नहीं देते मेरे को, तो आप मेरी मदद कर सकते हो क्या कुछ? अच्छा तो मैं ये कह रही थी ना कि आप ना यहाँ मत आना, पता क्या इनको पता चलेगा ना तो ये मेरे को करने नहीं देंगे। मेरे ससुर जी ना बहुत ज़्यादा वो है, मना करते हैं वो बाहर जाने के लिए पढ़ने के लिए। तो आप ऐसा करना आप मेरे मैथ आना। ठीक है बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जरा उपहार समिति बोलो तो फोन कर दिया मैं तो बोल छो मैथ आन मेरा कुछ दिन रखा कर हेलो हाँ उपहार समिति से दीपक जी बोल रहे हैं। भैजी नमस्ते, मैं चेता बोल रही हूँ। याद है आपको, मैंने आपको फोन करा था पिछले महीने। हाँ मैं ना इसलिए फोन करा था आपको, मैं आ गई हूँ अपने मैथ है डांग, मैंने आपको बोला था ना मेरे मैथ आना, तो आप आ जाइए प्लीज जरा मेरी मदद कर दीजिए, मैं तब तैयार हूँ ना। हाँ आप आ जाइए कभी भी आ जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को भी पूछोगे ना नीचे रोड पे आना तो आप किसी को पूछोगे चौहान जी का घर कहाँ पे है वो बता देंगे आपको, है? ठीक है मैं आपका इंतजार करूंगी, तो भैजी जल्दी आना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद भैजी। हाँ ठीक है भैजी, ठीक है ओके। हे भगवती डैनी भेजाओ मेरे काम भेजाओ। नानी लगी इसे पढ़ने पर? हाँ माँ पढ़ने जाओ। पेपर होना पड़ी रहा
अरे गाँव में तो ऐसे होता ना, मैं तेरा पानी लेके आऊंगा, चल लो पानी हम बात करे कि हम तुम्हारे नाना सारा छे तो हम तो पता चले छो गांव स्थिति हुई ना तो उत्तराखंड तो आप कर छो पर तुम छोटे माँ ब्योली तो बाप थे मैंने कभी बोली छो ना ब्योवा ना ब्योवा लड़ाई भी हुए पर क्या कान क्या कान अब तो सॉरी पढ़ाई नहीं अब तब जाने आठ क्लास दी देगी आज पढ़ी लिखी अपने छोटा पैरों पर खड़ी रोनी तो आज कने भी स्थिति वन समाज दगड़ी डटी तर मुकाबला तो कर दिया अपने पैरों पर खड़े रोनी अपने देख दे पाल ढंग से क्या कान मैडम जी क्या कान है बेटू धन छोड़ भी हुआ ऐसे हुए थे लगे समय तो हम उस दिन आपसे खुल के बात नहीं कर पाए क्योंकि आप ससुराल में थी क्या चाहती हैं आप मैं तो ना पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत शौक है पढ़ने का बचपन से ही मेरा हमेशा से सपना था कि मैं पढ़ूँ और अपने पैरों पे खड़ी हूँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ पर वो सपना तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि आप अपने आगे ग्रेजुएशन की तैयारी करो हमारे कुछ बुक्स लाई हैं इसे पढ़ाओ बहुत बहुत धन्यवाद इसे पढ़ाओ इनके ससुर को भी समझाओ इनके ससुर को भी समझाओ इनके पिताजी को भी समझाओ और पढ़ाओ वो ग्रेजुएशन करेगी आगे पढ़ेगी उसकी जिंदगी सुधर जाएगी आप लोगों के बात में ये बात समझ ही नहीं आती है दिमाग में कि बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ उनको अपने पैरों में खड़े करो तब जाके समाज के साथ उनको लड़ने की क्षमता होगी जितना भी खर्चा होगा हम उठाएंगे पढ़ाई लिखाई बुक्स कपड़े जितना भी खर्चा होगा कॉलेज से लेकर और फॉर्म हम लेके आएंगे आपके लिए भरने ठीक है आप फॉर्म आजकल भरने वाले हैं और जितना भी आपकी फॉर्मेलिटी होगी आप इनके पिताजी अपने पिताजी से करवा के स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए डोमिसाइल वगैरह सब बनवा देना ठीक है और डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखना सीधे डायरेक्ट फॉर्म बनेंगे आपके बहुत बहुत धन्यवाद दीदी धन्यवाद क्या पता आपके माध्यम से ही मैं अपना सपना पूरा कर पाऊँ और धन्यवाद जिस चीज की भी आवश्यकता होगी हम उसको पूरा करेंगे लगातार मुझे फोन करते रहना और मैं आपको सहयोग करती रहूँगी ठीक है अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बहुत बहुत धन्यवाद देख लीजिए माँ मेरा सपना पूरा होने वाले थे मैं तो बहुत दिल से पढ़ लू अब भगवान भी चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और अग्नि बढ़ू और तुम लोगों को रोशन करूं बेटी तुम जरूर कामयाब होना और हमर नौ क्या पूर्व के क्षेत्रों नौ रोशन कर दो यू मेरा आशीर्वाद बहुत खुश हो आज बेटी की आंखों में टप रहा दसवीणा पंख लगे कि आगा उसने PCS क्वालिफाई कर दिया क्या बात कर रहे हो हाँ जी जिनके घर हम गए थे उस दिन आज तो सारे फेसबुक सारी मीडिया में वही चल रहा है फलाने गांव की लड़की और उपहार समिति के सहयोग से उन्होंने
पीसीएस क्वालीफाई कर दिया है। तभी कहते हैं किसी गरीब की हेल्प करो तो मतलब अच्छा होता अच्छा ही होता है। आज बहुत खुशी हो रही है सच में, बहुत खुशी कि हमारे हाथों से एक नेक कार्य हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही होगा ना। हाँ चलो चलते हैं उनके घर। चलिए फिर चलते हैं। हाँ चलो। क्या काम करते हैं यार, पूरा गड़बड़ किया हुआ है। उनकी क्लास लगानी पड़ेगी तभी ये लाइन पे आएंगे। हाँ रवि जी। हाँ नमस्कार नमस्कार। हाँ मैं ठीक हूँ। आपको मैंने इसलिए फोन करा था, मुझे ये मनरेगा में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इतना परेशान कर रहे हैं गांव के लोग, क्या हो गया उनको यार। आप लोगों से एक भी काम ठीक से नहीं होता है। मैं बैठूं यहाँ ऑफिस में अपना काम करूं या जगह जगह जाके अलग अलग लोगों से मिलूं? नहीं मुझे इस टाइम पे कोई भी बहाना नहीं चाहिए। मैं एक महीने से देख रही हूँ आप लोग सेम सिचुएशन को बार 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 रिपीट करे जा रहे हैं। आई वांट ऑल द रिपोर्ट इन द इवनिंग। ओके कोई काम ढंग से नहीं हो। मैडम जी गांव से आपके मम्मी पापा आ रहे हैं। अरे उन्हें अंदर लेके आओ ना, तुम भी यहाँ जाए, जल्दी जाओ। ठीक है लेके आओ। अरे आज हम बहुत खुश हो, बहुत खुश। आप लोगों का आशीर्वाद से आज दिन आज तो आपसे मैं पर पूर्व गर्व थी ना बहुत। मैं आप लोगों को और खूब रोशन कर रहा हूँ। घर आओ मैं पनीर लिख रही जानू। हाँ पनीर भुजी बनोला। मैं तो बहुत अच्छी लगी वहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए, मैं तो बहुत अच्छी लगी। और इनको वेट मत करवाना अगली बार से, सीधे अंदर लेके आना। आप लोगों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं चाहिए। ना ना मैडम जी मेरे को पता नहीं था। हाँ तो अगली बार से याद कर। चला अभी जो लाम हुआ मैं जरा काम से ना नाराज नहीं हुआ। अरे ना अभी आऊंगा शाम को। ठीक है अब और मैं तक छोटी बीच से सीख के करता। वेट ये सोरा का मैं आया हुआ जरा। हां मैं मिल दूं शाम को। सो दौर। हां मैं मिल दूं जरा। ठीक। अरे अरे जी आवा 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 इधर आवा जी। खूब सा बहुत बहुत बधाई। बैठ बैठ बैठ। हम के लिए बधाई हो। आपको आशीर्वाद मैं दगड़ी छोड़ के चरणों में दे। बैठ 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 आप बैठ। तबीयत ठीक है आपकी? बैठ। आपका आशीर्वाद से आज मैं एक पहुंची हूँ। मैं बहुत खुश हूँ दिल से और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ। गोवन बोली बुआरी बल तब उन नौकरी चाकरी लगे बल पे बड़ा सा गोवन बल बड़ा सा तब बहुत बड़े लगे। अब आपने चिंता करने की कोई जरूरत नीचे सरकारी क्वार्टर मिले छन। अब हम गौन यान अब यखी रहन यखी पढ़ाण मिन और यखी नैना रैली में दगड़ी। तुम माफ कर दिया बहुत परेशानी हुई बोल तुम तो मैं भी ना बोल तुम पढ़े लिखे आपसी नौनी चाहे यही हो क्या क्या उपहार दीदी आई भैजी आया उनका सहयोग से आज मैं ये बैठी हूँ। बहुत बढ़िया तुम खूब अग्नि रहन बहुत अग्नि तरक्की करन मत ये नहीं बोलो। और तुम बेटे निवेन देख लिया सो बेटे कमी तो हमेशा खेले ले तुम तो मैं जानो छो। लेकिन तुम उन जो चाहे आज गांव को समाज को अब बंगस को पूरा राज उत्तराखंड छापा उत्तराखंड राज्य नू आज टॉप में धली तुम बहुत बहुत तुम तो बधाई चाहो। और क्या बोलना मैं भी यकी रोल तो गौर पुनो काम धाम करी जरा आज बैठे तो गौर है जान तो और तुम उन जो चे लोड़े कम भी आज पूरी कर दी आज गांव वाला भी
फूल माला के छाव ना पार्टी शादी छावर का ना और तुम घर जाना है वा? आप आराम से जाओ जय, जरा मदद करना अच्छा बाहर तक छोड़ के आओ गाड़ी में बैठा के आओ अच्छा अब तुम्हारी गाड़ी थी तुम्हारी हाँ मैं तो सरकारी गाड़ी मिली ना तेमा जा मैं तेमा जा आप आराम से बैठा हाँ देखें काम से ना अच्छा अच्छा ए बाबा थैंक यू गॉड हे भगवान हे भगवती तुमन मेरे सुने ली मैं बहुत खुश हूँ आज मैं जानी न जानी कतना नौनी होली जो का सपना हमेशा सपना ही बनी रह जाता होला पर जनु माँ बाप मेरा छा और जन उपहार समिति जन यू संस्थाएं छन खुली अगर यू सब भी जगह खुल जाओ तो सब भी नौनी अपना सपना पूरा कर सकती तो हे भगवती जन तिन कृपा मे पर बरसे उन्नी अपनी कृपा सब पर बरसे और सभी की जिंदगी में खुशहाली ले जय धारी माँ जय भगवती तू दैनी।